हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू ऑल माय लिसनर्स मेरे यानी आरजे मिष्टी की तरफ से एंड वेलकम टू आवर शो कहानी लफ्जों की ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज हम अपने शो पर जो शब्द लेने वाले हैं वो शब्द अपने आप में एक नई सोच है, अपने आप में एक नए मौसम की तरह है। जब किसी से मुलाकात होती है तो नई उम्मीदें बन जाती हैं, नए रास्ते खुल जाते हैं। उसे हम नए अफसानों की तरह भी कह सकते हैं या फिर यूं कह लो कि नए ख्यालात की तरह वो हमारे जहन में उतर जाते हैं। जी हाँ, आप अब तक समझ चुके होंगे आज का जो शब्द है वो है मुलाकात। मुलाकात कितना हसीन शब्द है, ना जाने कितनों की याद दिला देता है और अनजानों को अपना बना देता है। कभी खुद से मुलाकात करवाता है तो कभी अपनों से। जब भी किसी से मुलाकात होती है दिल में और चेहरे पर एक खुशी आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल रहा हो। लेकिन क्या वही सोच सोचने पर मजबूर कर देती है ये मुलाकात, और दिल से एक ही आवाज निकलती है, एक मुलाकात हो और तू मेरे साथ हो। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये गाना एक मुलाकात हो। एक मुलाकात हो तू मेरे पास हो, मुलाकात हो तू मेरे पास हो। जीने की वजह तुम बनो बन के तू रह बल मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात जरूरी जीने के लिए, हाँ मुलाकात जरूरी है जरूरी जिंदगी के लिए। जो रहे राहत सी होती है, मैं तुझे चूम लूं चाहत सी होती है, पास तू जो रहे राहत सी होती है। चल प्यार की नई शुरुआत हो कुछ ना कहे पर सारी बात हो। बन के तू रह बल मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात जरूरी जरूरी जीने के लिए, हाँ मुलाकात Thank you.
अपनापन सा है, भटके तन्हा बंजारा जीवन है। हर पल दिल में अधूरापन सा है, भटके तन्हा बंजारा जीवन है। मैं हूँ क्या बस एक आधा आसमां, ना रख पाऊं फासला दरमियां। बनके तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। हाँ मुलाकात कहानी लफ्जों की, मेरे यानी मिश्री के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि किसी से मुलाकात इतनी खास होती है कि चाहे उस मुलाकात को मुद्दतें गुजर जाएं, पर उस मुलाकात का अक्स दिल और जहन में बस जाता है और दिल से आवाज आती है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, कई बार मुलाकातें इतनी हसीन होती हैं कि उन मुलाकातों से क्या होगा वो किसी को नहीं पता होता, और वो मुलाकातें देखते ही देखते बहुत खूबसूरत पलों में और बहुत खूबसूरत यादों में बदल जाती हैं। तो चलिए आपको ये गाना सुनाते हैं, एक बात हो गई। हाँ हाँ हाँ
इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। Thank you.
खेल खेले हम एक खेल खेले हम खेल खेले हम। फिल्मों की कहानियाँ होती है हमारी जिंदगी की तरह, जिनमें होता है एक्शन। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इमोशंस। रोमांस। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। कॉमेडी। उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। और ढेर सारा म्यूजिक। ऐसी ही बहुत सारी फिल्मों की कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे प्रोग्राम बायोस्कोप में, हर शनिवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइज ऑफ लाइफ। बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है, प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बॉलीवुड के कुछ चटपटे रसीले किस्से, यहाँ बना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो। आपके अपने चहेते कलाकारों की संघर्ष से सफलता की कहानियाँ। जब आंसू खत्म हो जाते हैं डॉक्टर तो रोने का काम हंसी से लेना पड़ता है। और उनके कुछ रोमांचक किस्से। तुम्हारा प्यार अगर मेरा साथ देता तो मुझे जिंदगी में यह खुशी कभी नसीब ना होती। मैं रफ्तारी रुचिका लेकर आती हूँ आपके पास उस शो में जिसका नाम है बीते लम्हे। बुधवार शाम को 7 से 8 सुन सकते हैं और रिपीट टेलीकास्ट सुनेंगे बृहस्पतिवार को दोपहर 2 से 3। सुनते रहिए बीते लम्हे रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से, शेयर करिए अपने प्यार की कहानी फिर मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं PAATEL@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radiouran.com। सुनते रहिए जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन, ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also a social worker. Hey, Umesh Kulkarni, former Indian test cricketer. And aap sun rahe hai Radio Unan, a flight of life. Yaar, tu aajkal class mein bahut answers de rahi hai. कोई मेमोरी बढ़ाने की मेडिसिन ले रही है क्या? ये मेरी मेमोरी का कमाल नहीं, ईवो E5 डेजी प्लेयर का कमाल है जिसने हम विजुअली चैलेंज लोगों की स्टडीज को और आसान बना दिया है। ओ, तो ऐसी भी क्या खास बात है इस ईवो E5 में? अरे ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है स्टॉप वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, टॉकिंग कम्पास, FM रेडियो जैसी यूजफुल चीजें एक साथ है। अमेजिंग। लेकिन यार PDF फाइल्स पढ़ने का भी कोई जुगाड़ है इसमें?
अरे पीडीएफ टेक्स्ट के अलावा ई टेक्स्ट, ई पब, डॉक्यूमेंट फाइल और एचटीएमएल फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसे संभालेगा कौन? अरे ये तेरी पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका वेट सिर्फ 76 ग्राम्स है। इंटरनल फ्लैश कैपेसिटी 4 से 8 GB, सपोर्टेड माइक्रो एसडी कार्ड, एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। बस बस यार, जल्दी बताइए मिलेगा कहाँ से? अरे और कहाँ, सक्षम से हेल्पलाइन नंबर दूँ क्या? अरे मेरे पास भी है, 011-6465-0655। ईवो E5 डेजी प्लेयर न्यूआंस वोकलाइजर के साथ अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये भाषाएं हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। ईवो E5 डेजी प्लेयर के लिए थैंक्स सक्षम। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. ये एड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। मुलाकात अपने आप में सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी उम्मीद है जिसके ऊपर रिश्ते बरकरार रहते हैं और दूरियों के दर्द को राहत मिलती है। हर इंसान एक मुसाफिर है और मुसाफिरों से जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुलाकात हो जाती है और दिल से एक आवाज निकलती है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अक्सर मुलाकातें ऐसे रंग में बदल जाती हैं जो हमने शायद उम्मीद भी ना किया हो। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं पहले ये गाना, राह में उनसे मुलाकात हो गई। ले चलेंगे आपको मुलाकात की इस दुनिया में बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, चेहरे पे
जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर कहता गजल से खफा वो जाने हया हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बात ये चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। ओ खूबसूरत बात ये चार पल का साथ ये, सारी साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी आते हैं और सावन के मौसम की तरह दिल में भी टूट के बरसात होती है। मुलाकात अक्सर ख्यालों में भी होती है, ख्यालों की मुलाकात दिल में अदावत की तरह होती है। जो पल बीत जाता है वो जिंदगी में कभी भी मुड़कर वापस नहीं आता। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे सवाल खड़े कर देती हैं कि क्या पता ये मुलाकात फिर हो ना हो, क्या पता ये साथ फिर हो ना हो। इसी बात पर सुनते हैं ये गाना, लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो। और मेरा मानना ये है कि ये गाना सभी के दिल के बेहद करीब होगा। तो चलिए सुनते हैं इस बेहद ही खूबसूरत गाने। लग जा गले के फिर ये हसी जन्म में मुलाकात
back to our show Kahani Lafzon Ki. Mere yani aaj mishti ke saath, only on Radio Udaan, a flight of life. बहुत दुख होता है दिल को जब हम किसी चाहने वाले से आखिरी बार मिलना चाहते हो और मुलाकात ना हो पाए। अधूरी मुलाकात दिल में चुभन और दर्द देती है और ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक मुलाकात होना बहुत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये गाना। जरूरी है सनम, एक मुलाकात
भी आते हैं जब हम सालों सालों तक किसी से नहीं मिल पाते। मजबूरियों के कारण, परिस्थितियों के कारण लोगों के बीच में इतनी दरार हो जाती है, इतनी दूरियां हो जाती हैं कि वो चाहकर भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते। लेकिन जब भी एक दूसरे की तस्वीर देखते हैं तो हमेशा दिल से एक ही आवाज आती है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, किसी रोज उनसे मुलाकात होगी। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये गाना। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा।
तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। किसी रोज अपनी मुलाकात होगी मेरी जान, उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, साढ़े ग्यारह बज गए। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज अर्जुन का बर्थडे है आंटी। सारी दुनिया हंस रही है कि तुम उन गैराज के वर्कर्स के साथ नाच गाना कर रही हो। लेकिन आंटी मैं राजीव से पूछकर यहाँ आई हूँ। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, तुम घर इसी वक्त आ रही हो या नहीं? आंटी जस्ट से यस और नो। नहीं। हैं। उनसे मुलाकात होती है, आंखें दो से चार होती हैं, शब्द टकराते हैं और होठों पर हंसी फैल जाती है। बस फिर क्या, फिर बात शुरू हो जाती है और समय अपनी साजिशें करना शुरू कर देता है और अनजान लोग आपस में करीब आ जाते हैं और अनजान से अपने बन जाते हैं। कुछ मुलाकात हाले दिल भी बयां करती हैं और ऐसा लगता है मानो वो मुलाकात मुख्तसर थी। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये गाना मुख्तसर मुलाकात। मुलाकात है
سے ملاقات ہے ان کہی सितारों से भरी दिलनशी रात होगी तो फिर उनसे मुलाकात होगी। उस समय लोगों के गमों को शब्द नहीं मिलते। मुलाकात अक्सर सब कुछ भुलवा देती है। आंखों में बस खुशियाँ झिलमिलाती है और दिल बस ये सोचता है कि हम किस दौराहे पर खड़े हैं, हमें ये कैसी सौगात मिली है। जब महफिलों में कदम बढ़ चलते हैं तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, फिर मुलाकात होगी कभी। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये गाना, फिर मुलाकात होगी कभी। तो क्या हुआ जुदा हुए, मगर है खुशी मिले तो थे। तो क्या हुआ मुड़े रास्ते, कुछ दूर संग चले तो थे। दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम, मुलाकात होगी कभी। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा,
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं, जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी है रहनी भी थोड़ी कमी, नहीं होगा कुछ भी खत्म, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। सितारों की इस भीड़ को गौर से एक आखिरी बार फिर देख लो, ये जो दो अलग से हैं बैठे हुए, ये तुम हो ये मैं हूँ यही मान लो, ये दिन में नहीं नजर आएंगे मगर कल को जब रात होगी कभी, जो ये रोशनी होगी कम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। अगर आपको मेरा शो पसंद आया तो आप इस शो की रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com से। और अगर आप इस शो को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप इस शो की फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com पर। मैं आरजे मिश्री लेती हूँ आपसे विदा, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।